दुनिया में आज देखिए, लास वेगास में बंदूकधारी ने क्यों बरसाई गोलियां। अब तक बना हुआ है ये सस्पेंस। लास वेगास में 59 लोगों के हत्यारे स्टीफन पैडक के अब तक किसी चरमपंथी गुट से जुड़े होने की खबर नहीं। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। लास वेगास गोलीबारी की चर्चा के अलावा कार्यक्रम में आज अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा अब इस्लामिक स्टेट से भी जूझ रही है अफगान फौज, बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन में बेपरवाह विकास की मार झेलता एक कस्बा, जहां कभी आते थे सैलानी, वहां अब छाया है सन्नाटा। और एक ऐसा गेम जो अरेंज्ड मैरिज के खट्टे मीठे अनुभवों का दिलाता है, खेल खेल में स्वाद। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ बीबीसी दुनिया में। लास वेगास के एक नाइट क्लब में 59 लोगों के हत्यारे स्टीफन पैडक ने गोलियां क्यों चलाई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। 64 साल के स्टीफन ने होटल में पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली। अमेरिका के नवाडा प्रदेश में रहने वाले स्टीफन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्टीफन के मानसिक तनाव से जूझने की खबर दी है। पुलिस को होटल के कमरे में 23 बंदूकें मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक संबोधन में इस गोलीबारी को शैतानी हरकत करार दिया है। लास वेगास समेत अमेरिका के कई शहरों में मारे गए लोगों की याद में लोगों ने शांति मार्च निकाला। पुलिस ने स्टीफन पैडक के नवाडा स्थित घर की तलाशी ली और वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर ने बताया कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। अभी तक स्टीफन पैडक के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई है। पुलिस ने अभी तक पाया है कि उसका किसी घरेलू या फिर अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी गिरोह से ताल्लुक नहीं था। पुलिस को उम्मीद है कि यहां उसके घर की तलाशी के बाद उन्हें रविवार रात हुए हमले का कोई सुराग मिल जाए। और अब हम आपको बताते हैं कि स्टीफन पैडक के घर की तलाशी में क्या क्या मिला है। वहां पर 19 बंदूकें और हजारों कारतूस बरामद हुए हैं। और यह भी पता चला है कि स्टीफन पैडक के पिता का नाम बैंक लूट की कई घटनाओं में शामिल था और FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उनका नाम था। इन सब वारदातों के लिए अमेरिका के गन कल्चर को जिम्मेदार ठहराया जाता है और अमेरिका के किसी ना किसी कोने से बंदूक हमले की खबरें आना भी आम बात है। इस पर कई लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हिलेरी क्लिंटन ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि हमारा दुखी होना काफी नहीं है, हम सबको राजनीति को एक तरफ रखकर इस गन कल्चर के खिलाफ खड़ा होना होगा ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक कीथ ओल्बरमैन ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि लास वेगास में हुई इस पागलपन वाली हरकत में 500 राउंड गोलियां चली, ट्रंप का संवेदना जताना ही काफी नहीं है। तो क्या इस घटना के बाद अमेरिका में हथियारों के रखने पर किसी तरह का कोई नियंत्रण होगा? बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता गैरी ओडोनहू ने इस बारे में विस्तार से बताया। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े कुछ बदल सकते हैं। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए ये बहुत दुखद घटना है, पर इन आंकड़ों से बंदूकों के इस्तेमाल पर हो रही बहस पर कोई असर नहीं पड़ता। एक तरफ है वो लोग जो अमरीकी संविधान के उस संशोधन को मानते हैं जिसमें अमरीकी नागरिकों को हथियार रखने की अनुमति है, और नेशनल राइफल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं इन अधिकारों के बचाव के लिए काफी पैसा खर्च करती हैं। और दूसरी तरफ है वो लोग जो सोचते हैं कि ये सब रुकना चाहिए, पर बंदूकें भी होनी चाहिए, क्योंकि कई डेमोक्रेटिक और लिबरल समर्थक बंदूकों को लेकर अपना नियंत्रण चाहते हैं, नियंत्रण कि कौन उन्हें खरीद सकता है और किस तरह के हथियार खरीद सकता है। तो अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ लड़ाई की बात हो रही है और इधर अफगानिस्तान में उलझी लड़ाई में अब एक नया मोर्चा खुल गया है। इसके उत्तरी इलाकों में तथाकथित इस्लामिक स्टेट पैर जमाने लगा है और अब वहां IS, तालिबान और सरकारी फौजें तीनों आपस में लड़ रही हैं। बीबीसी की उज़्बेक सेवा के संवाददाता फिरोज रहीमी को ऐसे ही एक इलाके दर्ज़ाब जाने का मौका मिला जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक दर्ज़ाब की तस्वीर बहुत कम ही सामने आ पाती है। सरकारी सेना और तालिबान विद्रोही यहां बरसों से जंग लड़ रहे हैं और अब तथाकथित इस्लामिक स्टेट भी इसमें शामिल हो गया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने दर्ज़ाब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। शहर के बाहर इस छोटी सी जगह पर वहां से भागे 90% लोगों ने पनाह ली है। हुमैरा और उनकी भाभी भी भाग कर आए हैं। उनके पति एक स्थानीय नेता थे जिन्हें कुछ हफ्तों पहले चरमपंथियों ने पकड़ लिया। मेरे पति एक काफिले में जा रहे थे जब आईएस ने घात लगाकर हमला किया। उन्होंने उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। आईएस के लोगों ने हमारे घर में आग लगा दी। हम अपने बच्चों के साथ तब तक भागते रहे जब तक किसी महफूज जगह नहीं पहुंच गए। इस जंग को और पेचीदा बना देते हैं ताकतवर स्थानीय सरदार जिनकी वफादारी बदलती रहती है। शीर मोहम्मद का गिरोह तालिबान और आईएस के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने लड़ाई में अपना एक हाथ गंवा दिया और उनकी जान जाते जाते बची। पिछले 3 महीने में हमारे गांव के 60 से ज्यादा लोग मारे गए। जब हमला हुआ तो हमारे कमांडरों ने सरकार से मदद मांगी, उनसे हेलीकॉप्टर भी मांगा ताकि घायलों को निकाला जा सके। पर स्थानीय सरकार को भी मदद चाहिए। ज्यादातर अधिकारियों ने दर्जाब छोड़ दिया है। इनमें गवर्नर भी शामिल हैं। दर्जाब में कोई सरकार नहीं है और जिले के अंदरूनी इलाकों तक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। लगभग 50 जगहों पर आईएस और तालिबान ने अपनी चेक पोस्ट लगा रखी हैं। दर्जाब को जाने वाली सड़क को देखकर ही हालात समझ में आ जाते हैं। पहले यहां गाड़ियां लोगों को दोनों तरफ ले जाती थीं, पर अब ये सड़कें आईएस और तालिबान के कब्जे में हैं और लोग यहां तब तक सफर नहीं करते जब तक जरूरी ना हो। दर्जाब की सीमा पार भी हालात ऐसे ही हैं। आईएस ने अगर पूरे जिले पर कब्जा कर लिया तो 3 अहम उत्तरी प्रांत उनकी मुट्ठी में होंगे, जिससे ये लड़ाई और बड़ी हो सकती है। और कितनी बड़ी है अफगानिस्तान के लिए तालिबान के साथ साथ अब इस्लामिक स्टेट से भी निपटने की चुनौती, ये समझने के लिए हमने अब से थोड़ी देर पहले काबुल में बीबीसी की पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर से संपर्क किया। इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में एक खतरा समझा जा रहा है, न सिर्फ अफगानिस्तान के मशरक़ी ननगरहार और कुनर प्रांतों में बल्कि अफगानिस्तान के शिमाली चंद प्रांतों में, खासकर फारियाब और जोजान में भी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट अपना पांव जमा रहे हैं। वहाँ अफगान फोर्सेस अब तालिबान के अलावा इस्लामिक स्टेट के शिदत पसंदों को भी सामना कर रहे हैं और ये डर है कि इस्लामिक स्टेट जिस तरह मशरक़ी प्रांतों में उन्होंने पांव जमाया, अगर शिमाली प्रांतों में भी इस तरह पांव जमाए तो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा मुश्किल समझा जाएगा। ताहम अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान में मुकीम बैन अल-अक़वामी फोर्सेस गुज़श्ता 2 सालों से इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका ने ननगरहार प्रांत में मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स को इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। गुज़श्ता 2 सालों में इस्लामिक स्टेट के कई अहम रहनुमा और फौजी कमांडर खिते के लिए इस्लामिक स्टेट के रहनुमा मारे गए हैं और अफगान हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल में इस्लामिक स्टेट की जितने लोग मारे गए हैं जो ख़तरा था वो अब कम होता जा रहा है। तो अफगानिस्तान में अब फौज के सामने अब है दोहरी चुनौती। तो ये थे काबुल से सईद अनवर। और अब आपको बता दें कि बीबीसी दुनिया में अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दुनिया भर की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बीबीसी राउंड अप में, जिसमें चे ग्वेरा की 50वीं बरसी मनाने को लेकर बोलीविया में हो रही बहस के अलावा कई और खबरों पर भी निगाह डालेंगे। और पुलिस को जिनकी तलाश है वो पुलिस को ना दिखाई दें पर टीवी पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई दें, ये सूरत कैसी होगी बता रहे हैं हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश। और कार्यक्रम में आगे है चीन का एक खूबसूरत कस्बा जिसकी कारोबार और पर्यटन ने ही तोड़ी कमर, और एक पाकिस्तानी लड़की ने अरेंज्ड मैरिज से बचने के लिए क्या कुछ किया। तो और भी बहुत कुछ है बीबीसी दुनिया में, होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा।
दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सारिका सिंह। चीन ने पिछले कुछ दशकों में बड़ी तेजी के साथ विकास किया है, लेकिन इंसान की बेतहाशा विकास की चाहत की कीमत कुदरत को चुकानी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है चीन के यूनान प्रांत में झील के पास बने एक छोटे से कस्बे के साथ। चीन के यूनान प्रांत की झील इराई के तट ने कभी विकास की ऊंची लहरों को देखा है तो आज पर्यटन के गिरते दौर का भी गवाह बना है। शुआंगलांग नाम के इस इलाके के लिए इसकी वही खूबसूरती इसकी दुश्मन बन गई जो कुछ साल पहले तक हजारों लोगों को अपनी ओर खींच लाती थी। पर जब इतनी भीड़ से इस इलाके का दम फूलने लगा तो इसे बचाने की जरूरत पड़ गई। आज इस इलाके में चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी है। बेलगाम विकास की रफ्तार को रोककर चीन में इस तरह की जगहों को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए होटल और व्यवसाय को बंद कर देने का फैसला अचानक ही ले लिया गया। हमें मछली मारकर गुजारा करना पड़ रहा है, कमाई कम है, कारोबार खत्म हो जाने से हम नाराज हैं। पहले होटल के कमरे महीनों पहले ही बुक हो जाया करते थे। लोगों की आमदनी प्रभावित हुई है, कारोबार बंद हो रहा है, इसलिए लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है वो बाद में समझ जाएं। यहाँ मौजूद सैकड़ों छोटे छोटे होटलों का गंदा पानी बहकर इस झील में मिल जाता था, जिससे झील में बड़ी मात्रा में काई जम गई। इसे साफ करने में सरकारी कर्मचारी अभी तक लगे हैं। पहले हमारे लिए पर्यावरण से ज्यादा आर्थिक तरक्की जरूरी थी, पर अब हम दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। अब इस इलाके के लिए भविष्य के लिए नया सीवेज सिस्टम बन रहा है, पर यह अब भी साफ नहीं है कि यहाँ कारोबार कब शुरू होगा और होटल कब खुलेंगे। कहते हैं कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, पर इसे एक खेल की शक्ल दे दी है एक पाकिस्तानी डिजाइनर ने। अमेरिका में गेमिंग कंपनी में काम कर चुकी नशरा ने अरेंज्ड मैरिज पर एक दिलचस्प गेम बना डाला। मेरा नाम नशरा बालागाम वाला है, मैं 24 साल की हूँ, मैं एक्सपीरियंशियल डिजाइनर हूँ और मैं गेम्स डिजाइन करती हूँ। मेरी सबसे नई गेम है अरेंज्ड। जब मैंने ये गेम बनाई थी मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अरेंज मैरिजेस से भागने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इतनी फ़नी चीज़ें करी हैं, जैसे मैंने फेक इंगेजमेंट रिंग्स पहनी है, मैंने जाके टैन करा है ताकि मैं वो रिश्ता आंटियों से दूर हो जाऊँ। तो वही इंस्पिरेशन आई थी कि मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी एक बोर्ड गेम में डालूं। जो मुझे पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में बॉदर करती थी, जैसे हम जहेज देते हैं या फिर जैसे लड़की लड़के दोस्त नहीं हो सकते हैं, वो सब लेके मैंने एक लिस्ट बनाई और फिर उसके बाद मैंने एक ऐसी गेम बनाई जिसमें तीन लड़कियाँ हैं जो एक रिश्ता आंटी से भागने की कोशिश कर रही हैं। अपने डेक से कार्ड उठाते हैं और उसमें चीज़ें लिखी होंगी, जैसे कि आपको बाहर जाके अब्रॉड पढ़ाई करनी है तो आप आंटी आंटी अब आपको पसंद अभी नहीं करेंगी तो आप मूव कर सकते हो। आंटी जो है वो अपनी आंटी डेक से कार्ड्स उठा रही हैं जिससे वो लड़कियों को फंसा सकती हैं। तो उसमें जैसी चीज़ें लिखी होंगी जैसे कि आप फेयर एंड लवली यूज़ करते हो और इसलिए आप उसके करीब जाओ। तो ऐसे आगे पीछे होते वक्त आंटी लड़की को फंसा लेती है और उसको एक लड़के के साथ शादी करा देती है। फिर बीच में आंटी आती है गोल्डन बॉय के अक्रॉस और गोल्डन बॉय जो है वो लड़का जो सारी लड़कियां चाहती हैं। जब मैंने ये गेम बनाई थी तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतनी वायरल जाएगी। जो मुझे लड़कियों से रिस्पांस मिला है बोथ पाकिस्तान और इंडिया में, मुझे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं या फिर ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैं आपकी गेम खरीदूंगी और अपने पेरेंट्स के साथ खेलूंगी ताकि उनको समझ आए कि मैं क्या मैं क्या फील कर रही हूँ और वो मेरे रिश्ता नहीं करवाएं। अपनी शादी तो बहुत टाइम की बात है, मुझे अभी नहीं करना। खुद जब काफ़ी थोड़े सालों में मैं नेचुरली किसी से मिलूंगी तो ही उनसे शादी करूंगी, मगर मैं बिल्कुल अरेंज मैरिज से नहीं करने वाली हूँ। तो शादी ब्याह खेल तो नहीं है, लेकिन शादी का ये गेम जरूर बन गया है। और बीबीसी दुनिया में आगे है कतर की महिला जॉकी जो मर्दों के साथ रेस कोर्स में करती है घुड़सवारी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें होंगी, देखिएगा बीबीसी राउंड अप जिसमें बहुत सारी खबरें।
बीबीसी दुनिया में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं सारिका सिंह और अब देखते हैं बीबीसी राउंडअप और पहली खबर उसमें बोलीविया से। क्यूबा के क्रांतिकारी चे ग्वेरा की 50वीं बरसी को लेकर बोलीवियाई सरकार और सेना के बीच खींचतान हो रही है। बोलीविया की सरकार चे ग्वेरा की याद में कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है, जबकि सेना के लोग चे ग्वेरा के गुरिल्ला सेना के खिलाफ लड़ाई में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की मांग कर रहे हैं। दूसरा नोबेल भी अमरीकियों के नाम। साल 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 अमरीकी वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। स्वीडन की नोबेल समिति ने इन वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण की तरंगों का पता लगाने के लिए सम्मानित किया है। मेडागास्कर में प्लेग महामारी फैलने की खबर है, इसे लेकर कई शहरी स्कूलों में पेस्ट कंट्रोल भी कराया गया है। मेडागास्कर के स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद प्लेग के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्पेन के कैटलोनिया इलाके में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल जारी है, वहां सभी स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। इस बीच स्पेन सरकार ने फिर दोहराया है कि कैटलोनिया जनमत संग्रह के आधार पर आजादी की मांग ना करे। कैटलोनिया ने जनमत संग्रह के आधार पर आजादी का ऐलान किया तो स्पेन अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कैटलोनिया की स्वायत्तता को रद्द कर सकता है। आर्टिकल 155 हमारे पक्ष में है और इस समस्या को समाप्त करने के लिए यह एक कानूनी तरीका भी होगा। और इसके अलावा खबरों में है कार कंपनी निसान, जिसे जापान में करीब 12 लाख कारें वापस लेने को कहा गया। जापान सरकार ने सुरक्षा मानदंडों पर इन कारों को खरा नहीं पाया और इसे लेकर निसान कंपनी के सीईओ हिरोतो साइकावा ने ग्राहकों से माफी मांगी है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने एक साल में 1000 से ज्यादा साइबर हमले दर्ज किए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम कर रहे साइबर सुरक्षा केंद्र ने इनमें आधे से ज्यादा हमलों को गंभीर माना है। साइबर सुरक्षा पर ब्रिटेन के गृहमंत्री चरमपंथी संगठनों की वेबसाइट्स देखने वालों को 15 साल की जेल की सजा का ऐलान करने वाले हैं। और आखिर में बात कतर की मरियम अल सुबह की, जो पुरुष प्रधान समझे जाने वाले घुड़सवारी के खेल में ना सिर्फ शामिल हो रही हैं बल्कि नाम भी कमा रही हैं। मरियम बिना हिजाब पहने इस खेल में उतरी हैं, जिसे लेकर कतर के सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। और अब कुछ खबरें सोशल मीडिया से भी, और बीबीसी न्यूज ने ट्वीट किया है कि ब्रिटेन की मोनार्क एयरलाइंस के बंद होने से करीब 1900 कर्मचारियों की छंटनी होनी तय है। तो ये तमाम खबरें थी बीबीसी के सोशल मीडिया से। कार्यक्रम के बारे में आप मुझे @BBCSarika पर सीधे ट्वीट कर सकते हैं, खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं और कल इसी वक्त हमारे साथ बीबीसी दुनिया में जुड़ सकते हैं।